पेंदे भंगड़े गड्डी की डिक्की खोल के। याद है थानू कि नहीं याद, तुसी भुल जाने हो। इश्क दा गिद्दा पैंदा नहीं, तेरे इश्क दा गिद्दा पैंदा। तिन पग बलिए पेंदे भंगड़े गड्डी की डिक्की खोल के। याद है थानू कि नहीं याद, तुसी भुल जाने हो। इश्क दा गिद्दा पैंदा नहीं, तेरे इश्क दा गिद्दा पैंदा। लुधियाना स्थित मालवा का ऐतिहासिक छपार मेला हमेशा से ही राजनीतिक पार्टियों का केंद्र बिंदु रहा है। गुगा पीर स्थान पर लगने वाले इस मेले में हालांकि इस बार वह रौनक देखने को नहीं मिली जो दशकों से दिखती रही है। पंजाब के सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने अलग अलग पंडाल लगाकर ग्रामीणों को आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार मेले की रौनक शिरोमणि अकाली दल लूट कर ले गया। प्रशासन की मदद से कांग्रेस ने आयोजन तो बड़ा किया, लेकिन स्टार नेताओं की कमी के कारण वहां भीड़ नहीं जुट सकी। दूसरी ओर सुखबीर बादल और विक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी कॉन्फ्रेंस में उमड़ी भीड़ देख उत्साह में दाखा उपचुनाव के लिए मनप्रीत सिंह अयाली को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन छपार मेले में सफल कॉन्फ्रेंस करने वाले मनप्रीत अयाली की तारीफ करते हुए सुखबीर ने कहा कि दाखा विधानसभा क्षेत्र खुशकिस्मत है जो मनप्रीत जैसा उन्हें नेता मिला है। साथ ही विक्रम मजीठिया और सुखबीर बादल ने किस तरह कांग्रेस सरकार पर व्यंग कसे, आप भी सुने सुखबीर और मजीठिया को। इस सरकार की पुट्ठी गिनती शुरू हो गई है। वैसे सरकार का तो हालात यह जिमें एक मरीज होंदा ना माड़ू जा, सरकार है आईसीयू च, ते पंजाबी ने वेंटिलेटर ते जो हालात इस कांग्रेस ने बनाते है, कम कोई हुंदा नहीं। ते कम करन वाले दी नीयत भी मैं समझदा हुण दसण दी लोड़ नहीं रह गई कि पंजाब ते पंजाबियां प्रति ओही नीयत वेखण नूं कांग्रेस च मिल रही है जो इंदिरा गांधी दी या गांधी परिवार दी देखण नूं मिलदी सी। साध संगत जी, जेड़ा गुटका साहब दी सौ खा के, साध संगत जी जेड़ा श्री दमदमा साहब कोल मुंह करके जेड़ा गुरु दा ना बनिया, उन्हें पंजाब दे लोकां दा कदों बन जाना। आ मैनू दो चार दिन पहला दी खबर है, कल भी खबर लगी सी शायद, कल एक अखबार वाले ने मैनू पुछ भी लिया, कहिंदे जी ये कांग्रेस ने कैबिनेट की मीटिंग रखी सी सुल्तानपुर लोधी, ते तुसी वो वीडियो वेखी होनी। मैं वो वीडियो वेखी नहीं सी उदों तक, मैं पत्रकार वीर नूं कहा मैं तू दस दे किहड़ी वीडियो की गल करदा है। उस पत्रकार वीर ने मैनू वीडियो विखाई, शायद तुसी भी वेखी होनी, कि पंजाब की अद्धी तो वध कैबिनेट श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणा च गुरद्वारा मेहर साहब नतमस्तक होण पहुंची, मगर साध संगत जी उन्हां चों एक वजीर नूं छड के, श्याम सुंदर अरोड़ा नूं छड के, किसे होर वजीर ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज अगे नतमस्तक होना ठीक ना समझिया। ते मैनू वो पत्रकार सवाल पुछदा सी, मैं कहा जेड़े गुटका साहब की सौ खा के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणा की सौ खा के, दमदमा साहब की सौ खा के गुरु दे ना बने, कि उन्हां दी ए सवाल तुहानू लगदा तुहाडा पुछण दा तुहानू कोई जवाब भी देना बनदा है। गल समझ चुके हैं लोग कि कांग्रेस पार्टी की वह सोच जो दरबार साहब अकाल तख्त साहब से अटैक करा सकती सी, ते उस गांधी परिवार दे अज भी ये छोले गांधे, इन्हां दी कदे नीयत बदली होनी। साध संगत जी, मर्यादा जो परंपरावां ने जो गुरु साहब की सिख्या, जदों न्याणा निक्का जा हुंदा उस वेले तो जब साडे मापे साडा हथ फड के गुरु घर लैके जांदे आ, उस गुरु के चरणा च नतमस्तक असीं आउंदे आ। ते क्यों होने, क्योंकि सानू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने समर्थकी बख्शी सी कि प्रगट गुरा की दे, गुरु माने हो ग्रंथ, ते श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी तो समुची बख्शिशा मिलदियां ने। दुनिया के कोने कोने चो लोग
भावे वह किसे धर्म नाल संबंधित है, वह नतमस्तक होंगे ने होंगे रहेंगे, मगर वह पत्रकार वीर नूं अज मेरी गल समझ आ जानी चाहिए जिन्हां दे मत्थे बारे वह पुछदा सी उन्हां दी दिल च बदनीति है। मगर मैं ये नहीं कहता चलो कैप्टन साहब का तो गोडा गाटा बजुर्ग ने नहीं चलता, उन्होंने जेड़े वह दूजे हर रल करते फिरते हैं जेड़े रौला पाते फिरते हैं सुखी अर्गे जां तृप्त वर्गे जां राणा छोटी अर्गे उन्हां गोडियां नूं की प्रॉब्लम आ गई उन्हां तो क्यों नहीं मत्था टेकिया गया। चलो मैं इस गल च नहीं जाता मर्जी अपनी उन्हां दी, मगर जो सर जो ये गुरु कर दिया सत्कार करना और जिस तरीके नाल अज श्री अकाल तख्त साहब नूं एक दबार तो चैलेंज करन दी गल करते हैं साध संगत जी, वो चैलेंज श्री अकाल तख्त साहब नूं जां इंदिरा गांधी ने करन दी कोशिश कीती सी जां अहमद शाह अब्दाली जां जकरिया खान वर्गियां ने कीती सी। श्रोमणी अकाली दल कदे भी कांग्रेस पार्टी का स्टेज साझी करके राजी नहीं है, मगर क्योंकि गल 550 साल की है, गल गुरु के सत्कार की है, और जब श्री अकाल तख्त साहब ने कहता कि यह प्रोग्राम श्री गुरु साहब गुरु अपना गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह महाराज का बड़े सत्कार सब रल मिल के मना चाहता तो साध संगत जी असी उदो मन बना लिया कि अकाल तख्त साहब के हुक्म से पहरा देंदे सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने दो मैंबर जहेदार तोता सिंह जी बीबी जगीर कौर को इतों तक कहता कि जे कैप्टन अमरिंदर को जान की लोड़ पेगी चले जाओ क्योंकि आप अकाल तख्त साहब के हुक्म तो बाहर नहीं होना। साध संगत जी तुम उन्हों की वह हरकत भी देख लिया, चलो करन जो उन्होंने करना है, मगर एदा ये मतलब नहीं कि 550 साल च जो बना दिन एदी तैयारियां च कोई कमी पेशी रह जूगी। गुरु दिया संगता गुरु नानक नाम लेवा इस दिन नूं बड़े सत्कार नाल गुरपुरब नूं मनाऊगी, सरकार दा भावे दे च सहयोग होवे या ना होवे आपे जवाबदेही होणगे। साध संगत जी अज मैं एक गल तां शुरू च कीती क्योंकि अज भी जिथे आपां कट्ठे होए हैं अज पंजाब च यह धरती पंजाब की यह धरती एदे आले दुआले चप्पे चप्पे दे महापुरशां दे गुरु का नौ जपन आए गुरु दिया इत्थे चरण छो प्राप्त धरतियां ने। और साध संगत जी अज हक सच की लड़ाई की गल करन वास्ते इकट्ठे होए, जे तां मौका आया इस सरकार नू जे आईसीयू चो कढ़ना इस सरकार नू जे वेला करना लोगों की जान बचानी है तो साध संगत जी आ चार जिमनिया चोणा आई है काम बड़ा सौखा। आज जिन्ने कैप्टन सैकटर जाए वजीर जाए एडवाइजर सब बंदे बन जाएंगे तो बंदे साढ़े तो नहीं बनाए जाने आने आखा बनाने वाले भी तुम बैठे जेड़े राजा बना दो किसी को रंग बना दो झूठे वहदे करने वाले तो गुरु तो बेमुख होने वाले तो अज एक मौका थोड़े को आया अदाखे की जिमनी चो जलालाबाद की जिमनी चोर मुकेरिया की जिमनी चोर फगवाड़े की जिमनी चोर कांग्रेस पार्टी नू अपने झूठे वहदे छड़िया केड़ा आके की वादा करते कैप्टन अमरिंदर ने सौ चुकी हर घर एक नौकरी पक्की। साध संगत जी जिन्हें जिन्होंने नौकरी मिल गई है माड़ा जहा दर्शन तो दियो है कोई नौकरी अलग नहीं। और चन्नी कहिंदा रोज भाषण से 8 लाख नूं देती मैं चन्नी तू तो पच लाते पच इन्हू पुछया सी सुखबीर जी ने करी कि कांग्रेस की वड्डी प्राप्ति दस की है ते दो मिनट इतना बोल जे फड़कते रहे थोड़े चिर बाद बोलिया कांग्रेस की वड्डी प्राप्ति सड़क बादल साहब ने बना दिया मगर साढ़े को तो हूँ कला पच लाने का काम रह गया वो जो नौकरियों के पच लगते फिर आ मैनू एक अखबार मैं पढ़ी है सवेरे वो बेचारे ने पी एच डी की ओनू कहते नौकरी लग जा चन्नी वाली दे
ते तनखा किन्नी मिलू 3000 3000 का तीन तीन 30 दिन का हिसाब करो दिहाड़ी वध मिलती है घट मिलती है PhD वाले नूं और जे 8 लाख नौकरी देती तू माड़ा जा दसता दे उन्हों का पता तो दे दे सानू असी उन्हों का सन्मान ही कर आईए जिन्हों मिल गई है साध सकत जी दिती कख नहीं आ बल्ले बल्ले इश्तहारा च करोड़ा रुपया लवाता जिथे स्टेज लाउंदे आ उत्थे एक गीतकार लाया होंदा ला के 3 पैग बलिए इह जिहा गीत सुणाउंदे आ फिर नौकरी लभदी नहीं अगे करजा माफ होंदा नहीं अगे ते अगे गीत वाला लाया होगा मेरा गीतकार नाल नहीं कोई मेरा मसला मगर उहदा गीत सुणाउंदे आ संगतां नूं ला के 3 पैग बलिए पंडे भंगड़े गड्डी दी डिक्की खोल के मैं तां इहनां दे जिहड़े स्टेज ते कांग्रेसी बैठे उहनां दी गल करदा होणा उन्हां दी तां जान निकली पई है जिहड़े अगे बैठे है साध सिंह जी फिर दूजा गीत मैं तुसीं पता नहीं आ मैं तां इहनां दे प्रोग्राम वेखदे रहिंदे अजकल मोबाइलां ते सब कुछ आ जांदा है मानसे कीता करजा माफी का प्रोग्राम आ खबर पढ़ी होनी तुसीं बरनाले की बरनाला मानसा बठिंडा सांझा प्रोग्राम इहदा कीता सी इहनां ने संगरूर का ते स्टेज लाई सी स्टेज ते उस दिन अज वह लवप्रीत जिहड़ा बरनाले का नौजवान है जिते ने माफी का काम शुरू होना सी उहदे 5 जी परिवारां चो कुलवंत सिंह उस दिन कैप्टन दे झूठे लारिया करके आप दी इस फानी संसार नूं अलविदा कह गया सी ते स्टेज ते गीत कहड़ा लग्या सी याद है थानू कि नहीं याद तुसीं भुल जांदे हो इश्क दा गिद्दा पैंदा नहीं तेरे इश्क दा गिद्दा पैंदा इहनां नूं प्यो दे पुत्तां नूं पुछो जान किसानां नहीं करदी सब साथ सिंह जी आ हड़ा दा नुकसान होया मैं थानू पुछना चाहुंदा आ गुआंढी इलाके जाके साफ कुछ पुछ लो सुल्तानपुर लोधी पुछ लो फाजिलका पुछ लो फिरोजपुर पुछ लो जे एक दवानी किसे बंद किसान नूं मिली होवे उहदे फसल रुड़ गई घर रुड़ गए उहदा डंगर रुड़ गया घर तबाह हो गए अज तक दवानी नहीं मिली ते इस स्टेजां तों कहिंदे इश्क दा गिद्दा पैंदा नहीं इश्क दा गिद्दा पैंदा साध संगत जी की इह जे थोड़े हमदर्दी हो सकदे और कली यह गल नहीं ना 17 का मुआवजा मिला ना 18 का मिले ना 19 का मिले और वड्डी गल है कहिंदे घर घर माफ करांगे कर्जे जिन्हां दे कर्जे माफ हो गए महाराज जकारा छड़ दिओ जे कर्जे माफ हो जांदे ते अज 1500 किसान खुदकुशी ना कर जांदा अज हालात इह बणे और मेरे वीरो ना किसान छड्डिया ना नौजवान छड्डिया ना दंद भरा छे स्कॉलरशिप बंद सैकल बादल साहब दिंदे सी बंद पेंशन का लारा लाता कि बापू बादल का घट दिंदा पा दिओ वोट 2500 मिलिया करूगी कईयां दी पेंशन कट्टी गई और फिर कहिंदे सी शगन स्कीम बापू घट दिंदा पा दिओ वोट 51000 मिलिया करू मिल गया जी फिर 51000 ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ 5 ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਮਿਲੂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖੰਡ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਰਾਤੀ ਪਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦਾਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਵਾਰਡ ਦਈਏ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋਖਾ ਤੇ ਤੱਖਾ ਦਾ ਦੰਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਕਾਂਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ
लग जाती सी कि नहीं लगती सी, हुण कोई ला के ना देखे कौन दी। हुण भावे बिजली आवे ना आवे बत्ती, लख रुपए का बिल जरूर आऊगा, गोली आऊगी। साथ संगत जी बिजली दे रेट कहिंदे सी सब तो सस्ती करांगे, अज बत्ती सब तो महंगी करती है। मुलाजम वीर खलोते है, चलो तुसी जकारा छड़न जोगे तो नहीं, जान तो थोड़ी भी कड़ी पई है, छड़ो भी ना एवं मेरे चक्कर च सस्पेंड हो जाऊंगी। मगर एक गल का माड़ा जा हाथ उत ला के जा दंद ही कट के विखा दो कि गल सही करता माड़ा जा, मिठा मिठा जहा हस के विखा दो, कदा परचा हो जाना। इन्हों की जान वेखो किवें कड़ी। बापू ने तो नौकरियां भी दित्तियां, मैं नहीं कहना घर घर नौकरी देती नहीं, बापू ने कदे आख्या भी नहीं घर घर दे देनी है। मगर बादल साहब ने जिन्ने वादे किए, जे बंबिया के बिल माफ होए, जा आटा दाल, जा पेंशन, जा शगन वर्गियां स्कीमां चलियां, ये सरदार बादल दे ऐलान सी ते जो ऐलान किए उते पहरा दिता। इन्हां नूं कहता कि बापू बादल ने नौकरी कर दिती, आ लैण दो पंजे दी वारी, वेला रहण कोई नहीं देना, सारे नौकर ला देने है। ते नौकर तकी लाउणे सी वेले जरूर करते हैं, मैं वेखदा हुंदा। इन्हां दा तां डीए ते पीएफ ही नहीं मिलता, मिल गया कि नहीं मिल गया, थोड़ा 4,000-5,000 करोड़ देने वाला रोज मर जा, 10 पाऊ मिले कि नहीं मिले पीएफ डीए मर जा, हस के विखा दे, नहीं तो मैं कह देना यह तो पक्का ही कट लियो। ये चीकां तो कढ़ाइया पईआं मुलाजम की धरने से, कोई टैंकी से चढ़िया, कोई कैप्टन की गड्डी नूं चमड़िया, कोई गड्डी दे थले आ, कोई गड्डी दे उत्ते आ। कैप्टन का ध्यान हले लाहौर तो पर चार संगत जी बनू की जान इन्हें हालात से तुम की आस रख सकते। इसलिए मैं तो अब यह बेनती लैके आया, यह रौला किसी होर का नहीं। आयाली साहब ठीक है, मन में दुख जरूर पहुंचे होना जदों अस्तारा की चोन नहीं जितते, मगर जेड़े जित गए सी जितते तो भावे 2-4 हज़ार का ही फर्क सी, निकल के तो भावे चोर मूरी भी गए, मगर वो जे कदे दर्शन दिते थानू, कदे लभे थानू, कदे सुख दुख दे भाईवाल होए, कदे कुछ कीता काम जे कीता होवे, अज थोनू मूंह विखा के धोखा दे के जे कोई भज गया तो उन्हूं तुसीं चंगा कहोगे कि माड़ा कहोगे। थोनू 700 करोड़ किसानां दा बकाया गन्ने दा रहिंदा उन्हूं दिंदे नहीं, मुलाजमां दी तनखाह नहीं दिंदे, साध संगत दी नौकरी दिंदे नहीं, कहिंदे जी रीअपलाई कर लो नवी नौकरी देनी कोई नहीं। मगर जे एडवाइजर लाने हो तो फिर खजाना भी भर जाता, जे करोड़ों रुपया आपके घर के दफ्तर से खर्च करना हो फिर खजाना भी भर जाता। लाए हैं ना 7 एडवाइजर, हुण मैनू ये नहीं समझ आऊगी कि यह जिहड़ा 2 वारी MLA बनया जा 1 वारी MLA बनया, यह मुख्यमंत्री नूं कादी एडवाइस दे देंगे, कि सलाह दे देंगे। जिहड़ा सरपंच 5 वारी बनया हो वो पहली बारी बने तो सरपंच तो कहड़ी एडवाइस लै लूँ, कहड़ी सलाह लै लूँ। मैं तो समझ नहीं आई कि जेडे सलाह देने वास्ते 7 MLA चुन ले ते साथ संगत जी मुख्यमंत्री आप 5 वारी MLA 3 वारी MP 3-2 वारी मुख्यमंत्री 5 वारी MLA उन्होंने एक ही सलाह दे देंगे ते अगे जिम्मेवारी कहड़ी दिती। एक नागराज है राहुल गांधी का बड़ा वड्डा चेला, उन्हूं फैमिली प्लैनिंग का महकमा देता, मैं चंगा कम किया, मैं ये कीदी करूँ फैमिली प्लैनिंग आपकी कि कैप्टन साहब की करूँ, कीदी सरकार की करूँ, कीदी करूँ सरकार ने तो लोगों की जानती अज हालात बने। दूजा नूं की सलाह ते रख लिया, कहिंदा ये सियासी सलाह देणगे, सियासी सियासी सलाह देने वास्ते कहड़े रखे, दल बदलू भगौड़े मौका प्रस्ती के राजनीति के बादशाह, कदे श्रोमणी अकाली दल, कदे PPP, कदे कांग्रेस, उन्होंने की सलाह देनी है कि मौके की राजनीति करो, लोगों को दो झूठे लहरे से चलता बनो, फिर यह सलाह ही देंगे। और साध संगत जी अज यह लोगों तो बचण की लोड़ है। मैं अखीरली गल कह के क्योंकि समा इजाजत नहीं दिता, साध संगत जी जिथे मैं थोनू इस गल की बधाई देना सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं भी, समुची पंजाब की संगत को, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को, दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को, सिख जथेबंदियों को, कि साडे लिए बड़ी मान ते बड़ी खुशी की गल है कि ननकाणा साहब तो जिहड़ा 550 साल समर्पित
इंटरनेशनल नगर कीर्तन निकले गुरु ग्रंथ साहब महाराज की अगुवाई च, जिदे च अकाल तख्त साहब जी का भी सहयोग है, जयदार साहब का, और समुचे हिंदुस्तान च पाकिस्तान तो ननकाना साहब तो चल के सारे हिंदुस्तान च बहुत वड्डी सरिता का नाम उठा रही है। उसकी मैं बेनती करता कि यह मौके को जान ना दियो, भावे दसवीं होवे नेवी होवे, साढ़े 500 साल वास्ते हर पिंड च कमेटी बननी चाहिए कि तुसी किवें दुनिया के कोने कोने तो संगत ने आना, किवें असीं उन्हां संगतां दी सेवा कर सकते हैं। और मैं ये भी बेनती करता और एक गल की बधाई भी देना प्रबंधकों को कि 550 साल की भावें सरकार सुती सी, मगर आनंदपुर साहब के उस तर्ज से जो आप खालसे का जन्म दिहाड़ा मनाया सी, वाजपाई साहब आए सन सारे सुल्तानपुर लोधी शहर को अज सफेदीकरण च वड्डी भूमिका साध संगत जी तुसी निभा रहे हो, और जेड़ा भी योगदान पाउंदा मेरी ओहदे हथ च ओहदे हथ जोड़ के ओहदे चरणा च बेनती है कि उत्थे जाके एक दिन हो सके तां दो, हो सके तां चार, मगर एक दिन जरूर उत्थे सेवा करके आयो, गुरु दी खुशियां गुरु दी बख्शियां जरूर लैके आयो। मैं इस गल दा भी बादल साहब नूं ते मोदी साहब नूं वधाई दिंदा, पुठे काम तां सी कांग्रेसियां दे, नहीं तां लांघे दी लोड़ ना पैणी सी, जे उस वेले 47 च फैसला जवाहरलाल नेहरू सही कर जांदे ते करतारपुर साहब दा ओ पवित्र गुरु घर अज पंजाब च हुंदा, उहदे लांघे दी लोड़ ना पैंदी। मगर प्रधानमंत्री आए लथ गए, ओ गुरु दी सेवा कोई कर नहीं सकिया, गुरु ने बख्शिश कीती है, और मोदी साहब नूं इह मौका मिलिया। अज जिन्ना भी कम उत्थे हो रहा लांघे दा इह ठीक है, मैनूं इहदे च कोई गला शिकवा नहीं। एक कांग्रेसी शौर दे भुखे फोटो लवाउण, जी सदके लवाउण, जिन्नियां मर्जी लवाउण, मगर जो सूबे दे सरकार दी जिम्मेवारी बनदी है कि लोग उत्थे सौखे आ जाण, लोग उत्थे सौखे तरीके नाल मत्था टेक जाण, ओ जिम्मेवारी भी सरकार निभाउण दा कम करे, नहीं तां जिहड़ा मार्ग बन रहा है जां ICP बन रहा है ओह सारा सेंटर सरकार दी देन है, जां बाबे नानक दा पिंड बन रहा है, जां स्मार्ट सिटी सुल्तानपुर लोधी नूं दित्ता है उस मोदी साहब ने, ते जिहड़ी बाल साहब ने फरियाद कीती सी, अज उहदे करके बन रहा। और मैं इस गल की वधाई दिंदा, और बादल साहब तुहानूं बेनती करदा कि दूजी बेनती भी तुहाडी मन्नी गई है, काली सूची की बड़ी देर की मंग पूरी आउंदी सी, हौली हौली उस कटौती होंगी गई, अज मैं वधाई दिना ते मोदी साहब का धन्यवाद करदा, सुखबीर जी नूं वधाई दिना कि अज सारी वो काली सूची जिहड़ी सिखां दे खिलाफ कांग्रेस के गांधी परिवार ने तैयार की सी, अज 354 चो 312 लोग चो कटते गए हैं, वह जो मर्जी पंजाब के हिंदुस्तान आ सकते हैं, वह रोक टोक मोदी साहब ने चकती है। इस तरीके जेड़ा कमलनाथ अर्गे, जगदीश टाइटलर अर्गे, सचिन कुमार अर्गे जेड़े बचे फिरते सी, अज उन्होंने जेल में बखाने का काम भी भावे गांधी परिवार उन्होंने बचा रहा, मगर अज सरकार दी SIT ने अज उन्हें कले कले गुनेगारा नूं, जिन्होंने गुरु घर सारे सन, जिन्होंने जीवदे जी गुरु दे सिखां नूं मारिया सी, अज वो जेल दी सलाखा च पहुंचन लग गए हैं। अज मैं बेनती भी करदा और आस भी करदा कैप्टन अमरिंदर सिंह कोलों कि अज सोनिया गांधी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल इह मौका कि जो पिछले गुणे होए आ, गुणा कीते इन्होंने, उन्होंने सुधारन का मौका। राजीव गांधी जब किसी ने पूछा सी कि आ दिल्ली च कतलेआम हो रहा तेरी मां दे, उस कतल तो बाद ते उहदा जवाब सी, कहिंदा वड्डा दरख्त जब डिगदा ते धरती हिलदी है। अज कमलनाथ नूं लोड़ दा काम सोनिया गांधी आप कर सकती है, सवेरे उन्हें पार्टी चो करदा चक्का कर सकती है, मगर जे नहीं कीती ते पंजाबी ये गल भी समझ जाणगे कि गांधी परिवार च ओही खून है, ओही सोच है जो इंदिरा गांधी दे वेले तो वेखण नूं मिलदी सी। और मैं अखीरली बेनती सुखबीर जी थोड़े कोल करदा, भावें इस गल की
हिंदुस्तान की सरकार ने स्पष्ट करता लख करोड़ अरबा की गिनती च गुरु नानक नाम लेवा ने श्री करतारपुर साहब मत्था टेकन जाना। मगर जे पाकिस्तान ये समझे कि कोई गरीब बंदा 1700 रुपया सिर्फ एक पास का दे दूंगा ओदे तो दिता नहीं जाना। अज मैं पंजाब सरकार नूं अपील है पहला तो पाकिस्तान इस नूं विड्रॉ करे, जे नहीं विड्रॉ हुंदा फिर जिवें हज वास्ते माइनॉरिटी नूं सबसिडी मिलदी है फिर सानू ये लांघे नूं जैपोटाइज ना होवे ये लांघा बने क्योंकि साडी अरदास सुनी गई है। मगर वो सारा खर्च सूबे की सरकार चुके। अज मैं ये अपील करके थोड़े को चलिया ते मैं साध संगत जी अखीरली बेनती करके चलिया कि आयाली साहब ते साडा तो आला लल्लू करे कमली रब सिद्धियां पावे ये भाऊ तो मैं वेला हले इनू कम कुम ला दोगे तो इन्हें कम थोड़ा ही करना। जेडे दूजे पासे तुरे फिरते बेईमान लोग ने 2.5 साल से कुछ नहीं किया तो हुण कित्थों कर देना। और मैं इस गल का भी धन्यवादी हाँ खबर मैं पढ़ता हूं कि शायद जाखड़ आ जाए, वैसे जे जाखड़ आ जाए तो वो अर्गी रीस ना होगी। लुधियाना गुरदासपुरिया ने वेला करता, अबोर आया ने वेला करता, उसकी गड्डी ने तो ब्रेक फेल करते जिहड़ा संभावी मुख्यमंत्री सी अज गड्डी दे थले आया फिरदा। और होना भी चाहिए कांग्रेस का प्रधान वेला और श्रोमणी अकाली दल का प्रधान जिन्हों समुची वड्डी कांग्रेस छोटी कांग्रेस समझते हो कि छोटी ये जेडे आप वाली पार्टी है ये अद्धे तो लंघ गए कांग्रेस से अद्धे रह गए ये भी चले जाने रहने रुने कोई नहीं ये विरोधी धिर की कुर्सी च बैठे ही सिर्फ तो सिर्फ कैप्टन की मेहरबानी करके बैठे इसलिए है क्योंकि रल के खेलते हैं माड़ी माड़ी जी कैप्टन की बल्ले भी कराई जाते हैं माड़ा माड़ा जहाँ सानू गाला भी करते हैं मगर मकसद यह है कि इतने कैप्टन ना कुछ हो जाए साड़ी विरोधी धिर की कुर्सी ना जाती रहे जा तो भी बचो। और मैं आस करदा उम्मीद करदा कि वधिया सेवादार ला के सरकार दे कन्न खिंचण दा काम करोगे सरकार नूं जगाउण दा काम करोगे। अज हर पंजाबी ये आस करदा उम्मीद करदा कि जेड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह दे इस सरकार नूं चलना करन दा काम उहदी बुनियाद उहदियां नीयां दाखे हल्के तो रखिया जाणगियां और तुसी वो जिम्मेवारी बेखूबी निभाओगे। मैनू टिकट दा तां नहीं पता मैनू लगदा अज दी गल्लां तो कि आली साहब की गल बनी पई है जे तुसी मोर मार ला दिओ तो मैनू लगदा छेती बन जाओ नहीं तां डले तेरे आखे नहीं बननी कली गल उन्होंने वोटा पाया उन्होंने आखे बननी आओ उधर मैंने जकारा छड़ लैन दे तू माड़ा जा पिछे हो जा तू कदे खराब ना कर दी काम। बोले तवे तवे जे हाथ रह गए विचकार दे देखियो कि हालात बने पए हो और ना मरवा दिओ कि चक चुक दिओ जिन्नी जान है कर दे करी कैप्टन उत्थे बैठा ठंडिया थावां ते बुड़का मारन लग जाए जिवें आपां बैठे आ इत्थे बुड़क के डिगे कुर्सी तो कि दाखे तो आवाज आई है मुलाजम नूं भी बेनती है तुसीं माड़ा जिहा हाथ पैर खोल लो नहीं तो अगे 4000 करोड़ देना अगले 2-2.5 साल 8000 बन जाना थोड़े न्याणे कित्थों स्कूल जाने है हालात थोड़े भी बिगड़ जाने। वाहेगुरू जी का खालसा ताकत का पता लग गए अभी जान तो उठो ही पता लग जित जाने 2.5 साल हो गए एक पंजाब च सरकार आई है किते भी चले जा पंजाब लगता ही नहीं कि सरकार हैगी। मैं अकाली वर्करां की गल है किसी कांग्रेसी भी पूछ लो कि सरकार थोड़ी है कहते नहीं साड़ी नहीं है सरकार बनाने वाले भी तुसी हो तो लाने वाले भी तुसी हो ताकत थोड़े हाथ च जिन्हों आप रिश्ता कर जाने किसी परिवार का रिश्ता कर जाने आप पड़ोस परिवार का पिछोकड़ देखते हैं। मैं
सारे बेनती करना आ जो फैसले होंगे सरकार बनाने अपने अहम फैसले होंगे तो मामूली फैसले नहीं होंगे क्योंकि थोड़ी किस्मत इनते निर्भर होती है। गरीब किसान मजदूर की किस्मत निर्भर होती है, सूबे की किस्मत निर्भर होती है। जे गलत फैसले कर लिए फिर पछताने हैं। 5 साल जिंदगी दे बर्बाद हो जाते हैं। 5 साल कांग्रेस का पिछोकड़ तो सारे पता ही है। तुम जिन्हें भी इतने बैठे हो, बुजुर्ग भी बैठे हो, नौजवान भी बैठे हो, पिछले 40-50 साल का इतिहास भी देखे, श्रोमणी अकाली दल ने सरकार भी देखी, कांग्रेस की सरकार भी देखी। मैं कहना घरे जाके तुम काली पेंशन ले लो, अपने पिंड च देखो केड़ी गल केड़ी चीज किसी सरकार के दौरान बनी है। तुम देखोगे 90-95% चीजा श्रोमणी अकाली दल की सरकार के दौरान ही बनिया, कांग्रेस की सरकार नहीं बनिया। पिछले 5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहा, थानू याद नहीं होना एक भी चीज जो कैप्टन ने पिछले 5 साल जो मुख्यमंत्री सी 2002 तो 2007 जी उन्हें की होनी या दिती होनी है। हुण 2.5 साल पूरे हो गए, 2.5 साल एक निशानी कैप्टन ने भी नहीं दस सकते कि आ नवी स्कीम लिया, नवी चीज उन्हें दी है, आ नवी कोई पुल बनाया, कोई सड़क बनाई है। जिथे छड़ के गए सी उथे काम बंद है। कई चीजा जड़िया बहुत वधिया चीजा बनाईया सी, जनता की सेवा वास्ते बनाईया सी, जनता की मुश्किलों हल करने वास्ते बनाईया सी, कैप्टन ने तो वह भी बंद कर दिया। मैं उदाहरण देना चाहना सेवा केंद्र का, आप पिंड सेवा केंद्र खोले मकसद की सी कि तुसी कोई काम कराना हो, डीसी कोले जाने की लोड़ नहीं, एसडीएम दफ्तर जाने की लोड़ नहीं, बीडीओ कोले जाने की नहीं लोड़ नहीं, तुसी अपने पिंड के सेवा केंद्र जाओ, सारिया चीजा उत्थी हल हो जांदियां सी। कैप्टन ने बंद कर दिया, कहिंदा कैप्टन खर्चा बड़ा है। मुख्यमंत्री जी आ पंजाब का खजाना जनता वास्ते होंगे, उन्होंने ऐशराम वास्ते नहीं। आ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं जरा जनता च नहीं होगा। आप नुमाइंदे चुनने किस वास्ते हैं? आप MLA चुनते हैं कि साढ़े MLA इलाके का MLA सानू जो लोड़ पे असी जाके मिल सकीए, वो भी बांह फड़ सकीए, अपने इलाके का काम करा सकीए। बचे MLA मिलना ही नहीं, मिलना ही नहीं, तो फिर वोट पा के उन्होंने आप लेना होगा। हुण मुख्यमंत्री मैं कहना तुम याद नहीं कर सकते कदों मुख्यमंत्री आप दाके हल्के देखा कैप्टन मिलाए जो लुधियाना जिहड़ा अपना पंजाब का दिल है, इंडस्ट्री का दिल है। एक बार भी कैप्टन ने 2.5 साल पंजाब की इंडस्ट्री नाल गल नहीं की, लुधियाने आके मिलिया भी नहीं इंडस्ट्री को। देखो आ हालात है, जेड़े मुलाजम धरना दे दे के थक जाते हैं पर आ उन्होंने मिलता नहीं। मेरे को मुलाजम आए कई कहते साड़ी मां बड़ो साड़ी गल चुको, मैनू कह लगे, मैं उन्होंने सवाल पूछा, मैं क्या साढ़े टाइम तुसी धरना घट देंगे जी, मिनटा ही तुसी टैंकी ते चढ़ जाते जी, ते बादल साहब का कोई धरना पता ही लगता सी कि धरना लाना पहले ही बुला लेंगे सी। मैं क्या तुसी भी टैंकी चढ़ के देखो, कहते बादल साहब का तार लेंगे सी, ये कैप्टन ने तारना ही नहीं खोले थानू, जिन्हें कैप्टन ने परवाह ही नहीं, क्योंकि मरते हो कोई परवाह नहीं है, या मुख्यमंत्री लेना की है। मजीठिया साहब ने मेरे तो पहले दस ही दिता कि सारा कुछ ही बंद कर दिता
बादल साहब की सियासी जीवन देखो, सारी जिंदगी उन्होंने जनता जाति गरीब किसान मजदूर की भलाई वास्ते लाई। मैं लगता कोई पिंड नहीं होना जिथे वो आप नहीं जाते सी, संगत दर्शन करते सी, लोगों दी तकलीफां हल करते। अज जे पंजाब तरक्की छोया और सारी गल बादल साहब करके हुई है। अज जे बिजली आमो आम कोई सोच नहीं सकता सी कि अपने सूबे बिजली आमो आम होगी किवें होगी, कि असी अपने 10 साल पूरी आमो आम कर दिती। आ जड़ियां सड़कां याद करो जो मौके तो तुसी लुधियाने जांदे सी, रोज एक्सीडेंट हुंदे सी, सिंगल सड़क सी, किन्ना ट्रैफिक सी। मैं थोड़े नाल वादा कीता कि जिन्ने भी अपने जिले हेडक्वार्टर है सारे नूं चंडीगढ़ नाल 4 ते 6 लेन दीआं चौड़ियां सड़कां नाल जोड़ दांगे। उदों कांग्रेसी कहिंदे सी ऐवें गल करदे, किवें जोड़नगे, इन्ना पैसा कित्थों आऊगा। अज देखो कह दियां सड़कां बना दियां, किन्नियां जानां बच गईयां, किन्ना नुकसान होण तों बच गया। पर आ तां सोच कांग्रेस की नहीं है, कैप्टन की नहीं है। छोटी तो छोटी चीज तुसी देखोगे बादल साहब ने शुरू की। आ जिहड़े बजुर्गों नूं पहले कितने पेंशन नहीं हुंदी सी हिंदुस्तान, पहली बार हिंदुस्तान बजुर्गों नूं पेंशन मिल लगी वो बादल साहब ने अपनी पहली बार मुख्यमंत्री बने उदों देनी शुरू की सी। उहदे बाद हुण दूजे सारे सूबे देण लग गए। आ शगन स्कीम ते दूजियां स्कीमां सारियां बादल साहब ने शुरू कीतियां। कैप्टन या कांग्रेस की एक निशानी नहीं याद कर सकते कि आ चीज कैप्टन ने दी, नवी चीज कुछ कैप्टन ने दी है। अपनी चीजा जड़िया चलाईया सी उन्होंने अगे ले जाते हैं, अदियां तो उन्होंने काम करती। सो तुसी अज थोड़े भारी कट है, हुण फैसला लैण दा टाइम आ गया। इन्हां कांग्रेस दे जुल्म सहर दे मुकाबले आपां नूं लड़के देखण दा टाइम आ गया। पिछले 2.5 साल इन्होंने कोशिश की झूठे परचे दे के श्रोमणी अकाली दल के वर्करां नूं डराउण दी, धमकाउण दी। तुसीं इधर जाके देखो सारे हल्कियां च मैनूं टेलीफोन आउंदे आ किवें झूठे परचे बना बना के लोगों नूं डराउण दी कोशिश करते हैं। मैं अफसर साहबान नूं मैं कह दिता, मैं उन्होंने अज थोड़ा अज भी कहूँगा, जिहड़ा अफसर झूठा परचा दऊगा वो बख्शिया नहीं जाऊगा। मैं तुम्हें इन्ना दस दिना, जिहड़ा झूठा परचा दऊगा सरकार आउण ते पहले ही महीने उन्होंने नौकरी चो कढ दिता जाऊगा, डिसमिस जाऊगा, तो उस जेल थाने चो अंदर किया जाऊगा जिथे उन्हें झूठा परचा दिता। झूठा परचा देना गुनाह है, इन्हों पता होना चाहिए, ओडा ही वड्डा गुनाह है। जे गुनाह करता है मतलब अफसर गुनाह करके बच नहीं सकते। अज पूरे देश की माहौल है देखो, पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया। तावी तावी जगह रह गई जिथे कांग्रेस का झंडा दिखता है। वही कांग्रेस 40 साल पहले हर सूबे च उहदा राज सी, हुण मैं लगता अपना ही सूबा खीरला रह गया। ते खालसा जी आप भुल सकते हैं जो कांग्रेस ने किया, जो कांग्रेस ने अपने नाल किया कौम नाल किया वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिहड़ा कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह सिखी की गल करता है, सिख कौम की गल करता है, वो पूछना चाहिए तू पार्टी केड़ी च है। जिहड़ी पार्टी टैंकां तो अपने दरबार साहब से हमला कर सकती है, हजारा अपने सिख भरावों नूं मार सकती है, हजारा गुरु घरां नूं अग लै सकती है, वो सिखी की गल कर सकती है। आ तां सारे बैठे है कली सरकार बनाने वास्ते। हेलो, जिवें मजीठिया साहब ने कहा गुटका साहब की सौ खा के जिहड़ा मुकर सकता है यह तो घटिया इंसान कोई नहीं होता। उन्हें तो दा लाना सी,
श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ झूठा प्रचार करना सी। उदों कहंदे सी कि श्रोमणी अकाली दल के टाइम च अकाली दल के लीडर वर्कर नशे बगाउंदे है। हुण तां उन्हां दी सरकार है, उन्हां दी पुलिस है। दसो एक अकाली लीडर नूं तुसीं हत्थ पाया फड़िया या थोड़ी निगाह च है? जे है तो फड़ के अंदर करो। तो हुण क्योंकि सरकार बन गई झूठ उन्हां दा चल गया, ओवें अपने श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ बेअदबी का झूठा प्रचार कर दिता। या कोई सिख सच्चा सिख कोई बेअदबी कर सकता है? तुसीं अकाली वर्कर हो, मैं भी अकाली वर्कर हां, कि तुसीं बेअदबी कर सकते हो? थोड़ी पार्टी नूं झूठा प्रचार दे करके झूठा पल करके ते कहंदे कहड़े ने ओ लोग जिहड़े कांग्रेस दे जंट है। जदों कांग्रेस ने उन्हां नूं कहा बरगाड़ी जाके धरना दे दिओ, बह गए। जदों उन्हां नूं कहा हुण उठ खड़ो, मैं तो खड़े किसी गल की उन्होंने। वो बाद आपां नूं पछाणना चाहीदा। हुण इन्ने साल आपां हो गए, आपणे इन्ने साल पंजाब की सियासत देख ली, तुसीं लीडर पछाण लिया? जे हुण भी नहीं पछाणोगे चंगे ते माड़े इंसान का फर्क, फिर पछताना पैना ही पैना। जे हुण भी पछताओ तो पता करोगे कि कहड़ी पार्टी काम करने वाली है, कहड़ी पार्टी थोड़ी बांह फड़न वाली है, कहड़ी पार्टी ने किन्ने काम किए हैं। जे चंगे ते माड़े फर्क नहीं रखोगे, चंगे बंदे भी ढिले हो जाते हैं। श्रोमणी अकाली दल थोड़ी मां पार्टी है, कोई सुखबीर सिंह बादल की जायदाद नहीं या मनप्रीत याली की जायदाद नहीं। अज मैनू सेवा का मौका दिता, कल कोई होर होगा। श्रोमणी अकाली दल पंजाब की आवाज है, कौम की आवाज है। जे श्रोमणी अकाली दल तकड़ा है, मैं कहना कौम तकड़ी है, पंजाब अगे गल कर सकती है। तुसीं कहंदे पंजाब की आवाज कांग्रेस बन सकती है, क्योंकि जे सोनिया गांधी कहूगी इन्हां नूं चुप कर जाओ, मिन चुप कर जाओगे, पंजाब वास्ते लड़ाई नहीं लड़नगे। तुसीं देखिया होना आ जिहड़ी एस वायल कनाल पंजाब का पानी किने कढ़िया सी, कांग्रेस ने कढ़िया सी उदों इंदिरा गांधी के हुक्म से। नहर कढ़ी गई सी ते आई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इश्तिहार ला के उत्थे स्वागत किया सी, चांदी की कई ते पत्थर लेके गए सी टक लाने वास्ते। ते हुण कहिंदे पाणियां दी गल, मैनू बड़ा दुख लग्गिया पिछे जे कैप्टन का बयान आया कि साडा हरियाणा नाल जिहड़ा एस वायल का पानी का चक्कर चल रहा, कहिंदा फैसला हो रहा। मैं कैप्टन साहब नूं दसना चाहुंदा, पंजाब कोले कोई पानी नहीं, थोड़ा कोई हक नहीं ऐसा फैसला करना जिहदे नाल पंजाब का पानी एक बूंद भी चले जाए। पंजाब के लोग एक बूंद पानी का पार नहीं जान देंगे, भावे जिन्नी मर्जी कान कुर्बानी देनी पे। अज आप सारे इकट्ठे हुए हैं, आप जी सारे नूं पता ही है बाई इलेक्शन आ गया, अज या कल या परसों ऐलान हो जाना। आ एक मौका है आ सुते हुए कैप्टन जगाउण दा, आ मौका है इन्हां नूं हिलाउण दा। आ तां सोची बैठी आ ढाई साल हले पए है, उन्हां नूं पता नहीं मिंटां ढाई साल टप भी गए है। हुण तां कलियां दो गर्मियां रह गईआं ते दो सर्दियां रह गईआं, सरकार थोड़ी बन जाणी है। ते जे तुसीं हुण जिहड़े दाखा दा ते चार बाई इलेक्शन आ रहे आ, आपां चारे ते चारे जित जाणे आ, जे जित्तांगे वी तुसीं देखो किवें होश उड़दे इहनां दे। शायद थोड़ा मोटा काम करन भी लग जाण, जिहड़ियां चीज़ां रोकियां शायद देण लग जाण। जे इन्हां दे हौसले होर बुलंद हो गए, फिर तो इन्होंने किसी नूं किछ समझना ही नहीं। हले कि ना किछ समझना, आ मौका है। मनप्रीत याली जी बड़े नेक इंसान है, दाखे वाले हो तुसीं, खुशकिस्मत हो थानू इह जिहा वधिया नुमाइंदा मनप्रीत याली जी सेवा करन वास्ते थानू मिलिया। देखो टिक्कजन सूह जी ने भी गल की, सारे
पंजाब के लोग जो अपनी सरकार से गल करते जी जिमें मनप्रीत बियाली जी ने छप्पड़ां दा सफाई की है उवें साडे करा के दिओ, जिमें मनप्रीत बियाली ने अपने हल्के पार्क बनाए है उवें साडे बना के दिओ, जिमें मनप्रीत बियाली ने स्टेडियम बनाए है उवें साडे बना के देखो। मैं बहुत MLA चुने जाते हैं, बहुत मंत्री बन जाते हैं, पर मैं एक गल दस्सां मेरी जिंदगी में जे कुछ MLA ते मैं आप निजी खुश होए, बादल साहब बड़े खुश होए हैं जिन्हें असली मेहनत की है लगा करके, ते मेरे ते बादल साहब ने लड़ लड़ के पैसे लेते हैं वो मंत्री दयाली से। मैं कहना चाहना बड़ा काबिल इंसान है, कई चीजा सानू पता ही नहीं सी किवें हो सकती है, इस नौजवान ने अपनी काबिलियत ना उची चक रही है, इस करके दाखे वाले आप बड़ा वधिया मौका है। इस मौका जे तुसी हिला दोगे कांग्रेस को, मैं तुम सही दसा समझ लो सरकार थोड़ी अगले दिन तो चल पी है, किसे एक हवा होंदी है एक तूफान होंदा है, तूफान शुरू तुसी करना है। ऐ मैनू पूरी आस अज तक कट देख के लोगों का प्यार देख के इन्नी गर्मी तुसी बैठे हो, आ एक सबूत है कि तुसी किवें श्रोमणी अकाली दल नूं प्यार करते हो। सो मैं कहना तूफान तुसी शुरू करो, इस हल्के तो तूफान शुरू होए ते 17 हल्के कांग्रेस के झंडे उड़ा के लै जाए, तो मैं तुम्हें इन्ना कहना चाहना सरकार तुम बना दोगे, तो मैं इन्ना कहना चाहना तुम देखोगे किमें पंजाब की तरक्की हुई है। आज जो काम 10 साल किया गड्डी बड़ी स्पीड से फड़ी सी पर ब्रेकां तुम ला लतियां। मैं बेनती करना बाकी तो गल्लां दसांगे पर एक गल मैं तुम्हें जरूर दसना चाहूँगा जिहड़ी असीं सोचिया कि अगली सरकार च करना ही करना है। आ 11-12 हज़ार पिंड है पंजाब के, सारे 11-12 हज़ार पिंडों में सीमेंट दियां गलियां सीवरेज सिस्टम लाइटां ते पानी वाला सिस्टम शहर वांगू वो दिता जाऊगा सारे 12-13 हज़ार पिंड। कोई औखा काम नहीं है, कोई औखा काम नहीं है, लीडर की ते मुख्यमंत्री की नीयत ये है। सरकारां कोले पैसे की कमी नहीं होंदी, जो साडी सरकार सी असी कितने भी क्या खजाना खाली है। मनप्रीत बियाली आता सी मंगता सी 20 करोड़ रुपये, असी 25 करोड़ दे के भेजते सी कुछ को नहीं खाने। मैनू लगता थोड़े हल्के में घट तो घट 200-300 करोड़ रुपया सारी चीजों लग्या होना है, जिहड़ा पिछले 2.5 साल मैं लगता 5 करोड़ भी नहीं आया होना। मैं तो सरपंच बैठे बेनती करना है यार कांग्रेसियों को मंगन की भी लड़ नहीं, 2.5 साल की कुछ बात वो की दे देंगे, थोड़ा 1 लाख दे देंगे 2 लाख मैं दे देंगे, सरकार ला दियो अपनी सरकार बना लो, फिर बड़िया ट्रालियां लियावे नोटा दे बोरियां ला लो जिनी मर्जी, करोड़ों रुपये की ग्रांटा होगी, तुम आप देखोगे किमें तरक्की होंगी। तो मैं ज्यादा समा नहीं लेंदा, मैं सारे वर्करों लुधियाने जिले के वर्कर बैठे है कि आप कमर कसी कर लो, हुण तुहाडी इलैक्शन आ रहा है, एक एक पिंड जाके एक एक घर जाके बह के सारे के सामने हाथ जोड़ के अपनी पार्टी की सरकार बनाइए बना तां बनूगी।